नमस्कार, व्यवसाय अध्ययन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पार्ट 3 के तीसरे पार्ट में हम आज प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें में पीटर एफ ड्रकर का योगदान और प्रबंध की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पीटर एफ ड्रकर 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर को माना जाता है। अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक एवं मैकेंसे ने पीटर ड्रकर को प्रबंध गुरु अलंकृत किया, जो कि प्रबंध के विषय में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज़्यादा सम्मानित गुरु के रूप में विख्यात है। वे प्रबंध को सृजनात्मक क्रिया मानते हुए कहते थे कि प्रबंधक का मुख्य कार्य सृजन एवं नव प्रवर्तन होता है। उनकी मान्यता थी, व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, शक्तियाँ अथवा तथ्य नहीं। ड्रकर लिखते हैं, प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं है, प्रबंध संस्कृति में बंधा हुआ है और होना चाहिए। प्रबंध ही समस्त समाज एवं संस्कृति को एक दिशा एवं ढांचा प्रदान करता है। 1980 में उन्होंने मैनेजिंग इन ट्रिबुलेंट टाइम में प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया। उन्होंने प्रबंध के महत्व को इंगित करते हुए लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है, एक ऐसा अंग जो भीड़ को एक संगठन में बदल देता है तथा मानवीय प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित कर देता है। ड्रकर के मतानुसार प्रबंध का मुख्य कार्य ध्येय एवं लक्ष्य, उत्पादक कार्य एवं श्रमिक उपलब्धि, सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, समय आयाम, प्रशासन एवं उद्यमिता है। 1954 में ड्रकर द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यानुसार प्रबंध की विचारधारा या प्रबंध तकनीकों को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रबंध तकनीकें, नवीन प्रवृत्तियाँ। व्यापार व उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाने के कारण इनका प्रभाव संगठन के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रबंधकीय प्रयासों पर भी पड़ता है। परिणामस्वरूप प्रबंधकीय कार्यों को सफलता एवं सुगमता से संपन्न करने के लिए प्रतिदिन नई तकनीकी अपनानी पड़ती है। इनमें से कुछ तकनीकें निम्न हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। इस विचारधारा का जनक पीटर एफ ड्रकर को माना जाता है। 1954 में ड्रकर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसे बाद में प्रोफेसर स्लेह ने परिणामों द्वारा प्रबंध नाम से प्रस्तुत किया। उद्देश्यानुसार प्रबंध प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने तथा इनके आधार पर अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाने तथा अधिकारियों द्वारा उनके कार्य की प्रगति एवं परिणामों का मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली है। परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। एनिनी राया के अनुसार, यह प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है जो उपलब्धि तथा परिणामों पर बल देता है। ऑरेन उरिस के अनुसार, मूलतः उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सरल अवधारणा है, यह वांछित परिणामों से निर्देशित अथवा पथ प्रदर्शित कार्य निष्पादन एवं उपलब्धि है। कास्ट एवं रोजेंस गेव के अनुसार, व्यक्तिक एवं समूह लक्ष्यों को व्यापक संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने के अनेक दृष्टिकोणों में से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक सर्वाधिक विस्तृत दृष्टिकोण है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में प्रबंध के सभी स्तरों को सम्मिलित करके इस प्रकार की संरचना का प्रयास करता है। इन कार्यक्रमों में प्रत्येक प्रबंधक लक्ष्य स्थापित करने तथा प्राप्ति हेतु विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने में अपने अधीनस्थों के साथ कार्य करता है।
उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रकृति को उसकी निम्न विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है। यह एक कार्यात्मक अवधारणा है जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। यह अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि उनके क्रियान्वयन के साधनों पर। यह परिणामोन्मुखी विचारधारा है। यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है जो यह मानती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के लाभ या गुण। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के अनेक लाभ हैं। इसमें संपूर्ण संस्था, उच्च प्रबंधक तथा अधीनस्थ कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। इन्हें प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन निम्न प्रकार है। संस्था को लाभ। उद्देश्यानुसार प्रबंध को अपनाने से एक संस्था को अग्रलिखित लाभ हो सकते हैं। श्रेष्ठ प्रबंधन। उद्देश्यानुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंधकीय कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ नियोजन। उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण कार्य योजनाओं के निर्माण तथा उत्तरदायित्वों के निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव हो जाता है। संगठन की स्पष्टता। इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारार्पण आदि की स्थिति भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्यानुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्य व उद्देश्यों के प्रति एक प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तथा वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है। प्रभावी नियंत्रण। उद्देश्यानुसार प्रबंध के कारण कर्मचारियों, लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। इसका दूसरा लाभ है उच्च प्रबंधकों के लिए लाभ। उद्देश्यानुसार प्रबंध में उच्च प्रबंधकों को भी लाभ होता है। ये लाभ अग्र प्रकार से है। पहला है अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में आसानी होती है। दूसरा, अधीनस्थों के कार्यों के मूल्यांकन का उचित आधार मिल जाता है। तीसरा है, अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित किया जा सकता है। चौथा, विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। इसका तीसरा लाभ है अधीनस्थों के लाभ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध से अधीनस्थों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है, अतः उसकी प्राप्ति सरल हो जाती है। दूसरा, कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है तथा निराशा समाप्त हो जाती है। तीसरा, अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, वे अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली प्रकार समझ सकते हैं। पांचवा, वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहने के कारण भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती है। छठा, व्यक्तिक पहल पहन एवं क्षमता में वृद्धि होती है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की सीमाएं। अन्य प्रबंध तकनीकों की भांति उद्देश्यानुसार प्रबंध की प्रणाली भी दोष मुक्त नहीं है। कई विद्वानों ने इसकी आलोचना की है तथा कमियां बताई है। इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहली है, उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का आधार तत्व उद्देश्य होते हैं, किंतु यथार्थपूर्ण एवं सत्यापनीय उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत कठिनाई आती है। भावी अनिश्चितता, पूर्वानुमानों में कठिनाई, गतिशील वातावरण, सरकारी नीतियाँ,
उद्देश्यों का अंतर्गठबंधन आदि घटकों के कारण उद्देश्य निर्धारण का कार्य सरल नहीं है। दूसरा, संतुलन की समस्या। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्यानुसार प्रबंध की एक महत्वपूर्ण समस्या है। तीसरा, बेलोचता की कठिनाई। कई बार नीतियां प्राथमिकता एवं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद भी उनके अनुरूप उद्देश्यों में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता है। फलतः कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का ही अनुसरण करते रहते हैं, किंतु ऐसे उद्देश्य अर्थहीन होते हैं। चौथा, अन्य दोष। अन्य दोष के अंतर्गत इसमें उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव, अधीनस्थों पर अत्यधिक समय का दबाव बढ़ जाना, प्राथमिकताएं तय न होना, अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित न किया जाना, उचित पुरस्कार एवं मान्यता का अभाव होना, वरिष्ठ प्रबंधकों तथा अधीनस्थों में व्यक्तित्व संघर्ष का पाया जाना, प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव पाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उद्देश्यानुसार प्रबंध में अत्यधिक समय खर्च होता है। उद्देश्यानुसार प्रबंध का मुख्य जोर परिणामों पर है, अतः इसके संबंध में लक्ष्य साधनों का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं वाली कहावत लागू हो जाती है। फलतः परिणाम प्राप्ति के लिए कर्मचारी गलत साधनों को भी अपनाने लगते हैं। यह दीर्घकालीन नियोजन की अपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल देता है। आज हमारा ये एक टॉपिक पूरा हो गया है। धन्यवाद।